माँ काली, माँ काली की सिद्धि प्राप्त करने के लिए किन मंत्रों का जाप किया जाए जिससे उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाए। बीज मंत्रों के बारे में भी चर्चा होगी और बृहद मंत्रों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मयोग माया। तो आज माँ काली के मंत्रों की सिद्धि के बारे में चर्चा होगी कि माँ काली के किन मंत्रों का जाप किया जाए जिससे माँ काली के मंत्रों की सिद्धियाँ प्राप्त हों और उनसे साधक अपने कार्य ले सके। हर प्रकार के कार्य, मनोकामना पूर्ति के कार्य, परालौकिक समस्या को नियंत्रित करने का कार्य, लोगों को प्रेत बाधा से मुक्त करने का कार्य, प्रेत मुक्त करने का कार्य, तो सभी कार्य लिया जा सकता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। पहले बीज मंत्रों पर प्रकाश डालते हैं कि बीज मंत्र कितने पर जागृत होते हैं और कितने पर वो सिद्ध होते हैं। तो बीज मंत्र किसी का भी बीज मंत्र हो, चाहे जिस शक्ति का बीज मंत्र हो, चाहे जिस देव का बीज मंत्र हो, सभी शक्तियों का अपना अपना बीज मंत्र है और बीज मंत्र पूर्ण प्रभावी होते हैं, लेकिन उनका जब थोड़ा अधिक करना पड़ता है, क्योंकि बीज मंत्र से केवल एक शक्ति का एक बीज मंत्र होता है। तो बीज मंत्रों को जब भी जपा जाता है तो वह पूर्ण फल देते हैं और साधक के जीवन में जिस भी शक्ति से संबंधित जिस भी प्रकार का बीज मंत्र रहेगा वो उसके जीवन में फलीभूत होता है, घटित होता है। बीज मंत्र लगभग जब 5 लाख की संख्या में जप किया जाता है तो वह जागृत हो जाता है और इतनी शक्ति प्रदान कर देता है, वह बीज मंत्र इतनी अवस्था में ऊर्जावान हो जाता है कि आप उस बीज मंत्र से, आप जिस भी शक्ति का बीज मंत्र रहे उस ऊर्जा से, आप उस शक्ति से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन अच्छा है, आपका ध्यान मार्ग अच्छा है, तो ध्यान के मार्ग से आप शक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं और शक्ति से जो भी आपके प्रश्न हैं, चाहे आध्यात्मिक जगत के हों या भौतिक जगत के, आप वार्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में उपाय प्राप्त कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। किसी भी शक्ति का बीज मंत्र हो तो 5 लाख की संख्या में यदि आप जपते हैं तब 1.25 लाख की संख्या में ये फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उतनी ऊर्जा आपके पास एकत्रित नहीं होती है। और माँ काली का क्लीम बीज मंत्र, यदि इसको विशेष तरह से सिद्ध किया जाता है 5 लाख की संख्या में, यदि इसका जागृत किया जाए, जपा जाए माँ काली का क्लीम बीज मंत्र, तो साधक को बहुत से अभीष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती हैं, माँ काली के स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होने लगती उस मंत्र की, क्लीम मंत्र की, और जिससे व्यक्ति अपने जीवन के जो भी मैंने कार्य भी आपको बताया, प्रेत बाधा से संबंधित, और भी माँ काली से वार्ता करना चाहता है अगर ध्यान के माध्यम से, तो शक्तियाँ ध्यान के माध्यम से वार्ता करती हैं, तो उस ये कर सकता है व्यक्ति। अगर इसको पूर्ण रूप से सिद्ध करना हो, क्रीम बीज मंत्र या कोई भी बीज मंत्र, तो 1 करोड़ की संख्या में जपना पड़ता है और विशेष प्रकार के नियम होते हैं, विशेष प्रकार के मापदंड होते हैं और विशेष प्रकार के हर मंत्र के सिद्ध करने के विधान होते हैं। तो हर मंत्र में थोड़ा विधान परिवर्तन हर मंत्र में रहता है, सिद्ध तो वैसे ही सब होते हैं लेकिन विधान में थोड़ा परिवर्तन होता है। विशेष समय काल का भी महत्व होता है, किस समय काल में आप जाप कर रहे हैं, किस समय काल में सिद्ध करने जा रहे हैं, तो इस विषय पर भी विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन जब मंत्र सिद्ध किया जाता है तो ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व होता है। तो आप अगर सिद्ध करते हैं इस मंत्र को, माँ काली के क्रीम बीज मंत्र को, तो या इससे आप बहुत से कार्य ले सकते हैं, लेकिन कार्य लेने का तरीका आपको आना चाहिए। कार्य लेने का तरीका और शक्ति से कनेक्ट होना, आप कनेक्ट होना तभी शक्ति से जुड़ सकते हैं जब आप किसी के मार्गदर्शन में करेंगे, स्वयं से जप लेंगे, ठीक है, जप का आपकी ऊर्जा रखी हुई है, आपके पास एकत्रित हो गई है, लेकिन तब तक आप उससे कार्य नहीं ले पाएंगे जब तक आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यह ऐसा ही होता है जैसे आपने बंदूक खरीद ली और घर पर रख ली, लेकिन उसको आपको चलाने का तरीका नहीं पता है, तो आपके संग्रहालय में एक प्रकार से रखी रहेगी। हाँ, आपके कार्य होंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन इस ऊर्जा से अगर आपको कार्य लेना है तो आप कार्य तभी ले सकते हैं जब आप वहाँ से कनेक्ट हो सकें, और कनेक्ट अगर आप हो गए तो आप साधक से सिद्ध हो गए। किसी भी शक्ति से अगर आप कनेक्ट हो गए तो आप उस शक्ति के सिद्ध हो गए। माँ काली किसी की नहीं सिद्ध होती, ना कोई सिद्ध कर सकता है माँ काली को, बस उनके स्वरूप की, जिस मंत्रों की व्यक्ति जाप करता है उसी मंत्रों की ऊर्जा से व्यक्ति कनेक्ट होकर माँ काली के स्वरूप से अपना प्रार्थना के माध्यम से कार्य ले लेता है। और फिर बृहद मंत्र हैं, जो बृहद मंत्र हैं उनको भी विशेष प्रकार से जपा जाता है, उनका विशेष अलग महत्व है, क्योंकि बृहद मंत्र 1.25 लाख की संख्या में जागृत होते हैं, सिद्ध नहीं होते, जागृत होते हैं। जब ये 1.25 लाख की संख्या में जागृत होते हैं, अगर साधक का अच्छा हो रहा है, अच्छी उसकी आध्यात्मिक उन्नति अच्छी है, उसके चक्र जागृत हैं, तब वह 1.25 लाख की संख्या में ही माँ से कनेक्ट हो सकता है उनके मंत्रों से।
तो माँ के विशेष मंत्र हैं जो बहुत से मंत्र हैं, आप सिद्ध कुंजिका मंत्र से भी माँ काली की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जो माता का ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इन मंत्रों से भी माँ काली की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और माँ काली के नवाण मंत्र से भी माँ काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो और क्रीम मंत्र जो बीजाक्षर है इससे भी माँ काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो माँ काली की सिद्धि प्राप्त करने के बहुत से मंत्र हैं, हर मंत्र का अलग विधान होता है और हर समय का अलग महत्व होता है, और समय विशेष समय में सिद्ध किए जाते हैं। जैसे अब गुप्त नवरात्रि आ रही है, 30 जून से लगभग है, तो जो भी साधक माँ काली की किसी भी मंत्र का जाप करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उनके मंत्रों की, तो हमसे संपर्क कर सकता है, उसको ऑनलाइन भी करा दिया जाएगा। और वो आके करना चाहता है हमारे पास तो आके भी कर सकता है। तो माँ काली की सिद्धि करने के बाद आप स्वयं ही समझ सकते हैं माँ सर्वशक्तिमान है, उनके माध्यम से आप प्रार्थना के माध्यम से कोई भी कार्य अपना करा सकते हैं, जो कार्य जायज हो, क्योंकि शक्तियाँ तो कार्य कर देते हैं, क्योंकि आप उनके उतने मंत्रों का जप किए रहते हैं, लेकिन अगर गलत कार्य कराते हैं तो उसका आपको परिणाम भी भोगना पड़ता है। तो अगर आप भी सिद्धि करना चाहते हैं माँ काली के मंत्रों की, और किसी भी मंत्र का जो आपके पास अगर कोई ऐसा मंत्र है जिनकी आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास विधान नहीं है, तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप माँ काली के क्रीम बीज मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं प्राप्त करके, तब भी आप जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पारलौकिक समस्या है, पारलौकिक परीक्षा कराना चाहते हैं, घर बैठे आप प्रेत बाधा से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, अपना परीक्षण करा सकते हैं और आप उपाय प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे सारे कार्य कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मयोग माया।